दोस्तों, यह दुनिया कई रहस्यों और अजीबोगरीब परंपराओं से भरी पड़ी है, जहां के बारे में सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसा देश जहां पर लोगों का नग्न होना आम बात है, और इस देश में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इस देश में एक मजदूर भी एक महीने में 1 लाख रुपए से भी ज्यादा आसानी से कमा सकता है। और साथ में ये भी जानेंगे कि इस देश में आने जाने का कुल कितना खर्च हो सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आइसलैंड के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स, जिसको देखने के बाद आप ये कहेंगे कि ऐसा भी देश हमारी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, नहीं तो आप आइसलैंड के बारे में ऐसी बहुत सी चीजों को मिस कर देंगे जिसे आपको जानना जरूरी था। साथ में ऐसे ही रोचक फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आइसलैंड देश यूरोप में अटलांटिक महासागर में बसा एक बेहद ही खूबसूरत और जबरदस्त देश है, जहाँ पर जाना हर लोगों का सपना होता है। इस देश को नॉर्डिक आइलैंड कंट्री भी कहा जाता है। आइसलैंड देश का कुल क्षेत्रफल 1,03,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या आपको पता है कि भले ही इस देश को आइसलैंड कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ हरियाली है ही नहीं, बल्कि उसी जगह एक देश ग्रीनलैंड है। इस देश में आपको हरियाली देखने को मिलती ही नहीं है, है ना अजीब बात। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि आइसलैंड देश में जून से लेकर जुलाई तक यहाँ सूरज डूबता ही नहीं। इसका मतलब यह है कि यहाँ 2 महीनों तक रात होती ही नहीं। बिल्कुल सही सुना आपने, मुझे पता है आपको यह सुनकर आश्चर्य होता होगा, लेकिन यह सच है। लोगों को इस समय का इंतजार रहता है, क्योंकि उनका कहना है कि इस समय में गोल्फ खेलने का अपना अलग ही मजा है। अब आप ही सोचिए कि अगर आप यहाँ होते तो आपको कब सोना है और कब जागना है, यह तो पता ही नहीं चलता, है ना गजब। क्या आपको पता है कि आइसलैंड देश में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पर बहुत सी ऐसी जगहें हैं कि जहाँ पर लड़कियों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ की लड़कियाँ यूरोप की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक मानी जाती हैं। यहाँ की लड़कियों की इतनी ज्यादा जनसंख्या को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर पोर्नोग्राफी और अडल्ट फिल्मों पर बैन लगा रखा है। यहाँ की सरकार का मानना है कि जिसको भी इन लड़कियों के साथ समय बिताना है तो वो इनसे शादी कर सकता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि क्या आपके घर वाले विदेशी बहू लाने देंगे। क्या आपको पता है कि आइसलैंड की मुद्रा आइसलैंडिक क्रोना को कहा जाता है, जो कि एक आइसलैंडिक क्रोना भारत के 50 पैसे के बराबर होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आइसलैंड की मुद्रा भारत से कमजोर है। आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश का एक मजदूर एक महीने में 3 लाख आइसलैंडिक क्रोना कमा सकता है, जिसको हमारे देश भारत की मुद्रा में कन्वर्ट किया जाए तो एक मजदूर एक महीने में 1,70,000 रुपए आसानी से कमा सकता है, है ना गजब। आइसलैंड की ज्यादातर जनसंख्या इस देश की कैपिटल सिटी रेगजाविक में रहती है। हालांकि यह शहर बहुत ही छोटा है दोस्तों, फिर भी इस शहर में आइसलैंड की आबादी का 60% लोग यहीं पर रहते हैं। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर शानदार रेस्टोरेंट, कैफे, बार, म्यूजियम जैसी बहुत चीजें हैं, और यहाँ पर कुछ जगहें और बीचेस ऐसी भी हैं जहाँ पर लोग बिना कपड़ों के इन बीचों का लुफ्त उठाते हैं, जिनका यहाँ पर पैदल घूमते हुए लुफ्त उठाना आपको आकर्षक लगेगा अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो। आइसलैंड में वैसे तो बहुत से ग्लेशियर मौजूद हैं और यहाँ ठंड भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइसलैंड में बहुत से झरने ऐसे हैं जहाँ साल के 12 महीने
गर्म पानी बहता ही रहता है। असल में दोस्तों, आइसलैंड में बहुत से ज्वालामुखी हैं, जिसके कारण यहाँ गर्म पानी झरनों में आता ही रहता है, जिसका लुफ्त यहाँ के लोकल लोग और पर्यटक लोग उठाते हैं। और इस देश की एक अजीब परंपरा रही है दोस्तों, यहाँ के लड़के या फिर लड़कियाँ दोनों निर्वस्त्र होकर ही नहाते हैं इन झरनों में। तैरने के साथ साथ आप इनकी खूबसूरती को भी देख सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं। क्या आपको पता है कि आइसलैंड दुनिया में सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में शामिल है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इन्हें डेनमार्क व स्विट्जरलैंड के बाद तीसरा स्थान मिला है। खुश मिजाजी के कारण यहाँ पर अपराध इतने कम होते हैं कि पुलिस को गन या फिर कोई हथियार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना गजब। आइसलैंड दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके पास खुद की कोई सेना ही नहीं है। वैसे भी यह देश किसी भी अन्य देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है, क्योंकि यह देश चारों तरफ से अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। अगर आप भी भारत में मच्छर और मक्खियों से परेशान हैं तो बता दें कि फ्रांस के बाद आइसलैंड दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर मच्छर नहीं पाए जाते। अगर आप आइसलैंड जाना चाहते हैं और आप यहां कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इंग्लिश बोलना और समझना आना चाहिए। और यहाँ की ज्यादातर बोले जाने वाली भाषा आइसलैंडिक है। यहाँ के लगभग हर लोग इंग्लिश को बोल और समझ लेते हैं। भारत के न्यू दिल्ली से आइसलैंड की फ्लाइट लगभग 24,000 रुपए में आसानी से मिल सकती है, लेकिन यह देश भारत से 71% ज्यादा महंगा है। जैसे कि आपको इस देश में 1 किलो चावल 200 रुपए में, 1 किलो टमाटर 300 रुपए में, 1 किलो प्याज 130 रुपए में, 12 अंडे 380 रुपए में और 1 किलो आलू 180 रुपए में। और तो और, यहाँ का 1 महीने का रूम रेंट 60,000 रुपए देना पड़ सकता है। इस देश में आपको रेस्टोरेंट में एक समय के खाने के लिए 1400 रुपए देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आइसलैंड के बारे में कुछ जबरदस्त फैक्ट्स। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जहां हमारे देश में बहुत से लोगों को उनकी प्रेमिका नहीं मिलती, तो वहीं हमारे इस दुनिया में एक ऐसा भी देश मौजूद है जहां पर खूबसूरत लड़कियों को भी लड़के नहीं मिल पाते, है ना अजीब। और क्या आपको पता है कि इस देश में एक ऐसा बीच है जहां पर लोग बिना कपड़ों के घूमते हैं दोस्तों।